सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सना अंसारी आज पहुंची है अहमदाबाद से आगे। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैर आफियत से होंगे। सुभान अल्लाह दोस्तों, भारत की तारीख में पहली हज महिला जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पालघर से मक्का के लिए जा रही है पैदल हज पर, उनके लिए दोस्तों आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर दोस्तों आज सना अंसारी का ये जो मुबारक सफर है वो किस जगह पर चल रहा है और वो दोस्तों अभी किस जगह पर रुकी हुई है, सब लोकेशन सब जान ये टू जेड आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। और उसी के हवाले से दोस्तों सना अंसारी को लेकर क्या अपडेट है और सना अंसारी दोस्तों कब तक अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली पहुंच जाएंगी, वो सब लोकेशन आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे चैनल पर नए आए हो और सना अंसारी का आज तक का लाइव लोकेशन भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दे। अब मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आपकी जो प्यारे प्यारे दुआएं हैं वो सना अंसारी के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के हज मुकर्रमा तक वो उनके साथ ही रहेंगी और उनका ये जो मुबारक सफर है वो आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल करम से बहुत ही खूबसूरती के साथ अच्छे से चलता रहेगा। बहुत जल्दी उनका जो ये ड्रीम है 2025 में हज मुकर्रमा पर पैदल जाने का वो भी मुकम्मल हो जाएगा। सना अंसारी को अल्हम्दुलिल्लाह आज सफर रवाना करते हुए 48 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 48 दिन दोस्तों सना अंसारी का ये जो लगातार सफर था वो बहुत ही अच्छे से जारी था। सना अंसारी आज कहाँ पर रुकी हुई है और उनका लाइव लोकेशन क्या है और वो दिल्ली कब तक जाएंगी उसको लेकर सना अंसारी ने दोस्तों एक वीडियो में बताया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सना अंसारी का छोटा सा वीडियो देखे फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अहमदाबाद से कलोल हमारा जो सफ़र है वो तय हो चुका है और अभी हम कलोल में हैं। कलोल में सिंधबाद होटल के सामने बोनसोइर होटल, वहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है और इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है कल आगे के लिए शुरू होगा और नंदासन में कल हम स्टे करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब दुआओं में याद रखिए, दुआ करते रहिए अपनी बहन के लिए कि अल्लाह ताला मेरा सफ़र आसान करे। माशाल्लाह दोस्तों, आप लोगों ने सना अंसारी का ये छोटा सा वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का उनका जो करंट लाइव लोकेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह कलोल का है। सना अंसारी दोस्तों कलोल में रुकी हुई है, उनका जो सफर मुबारक है वो अहमदाबाद से आगे की तरफ रवाना हो चुका है, वो अहमदाबाद से आगे की तरफ निकल आई है और दोस्तों आज उनका जो स्टे है वो कलोल में है और बहुत जल्दी दोस्तों यहाँ से उनका जो मुबारक सफर है वो रवाना हो जाएगा आगे की तरफ और दोस्तों धीरे धीरे वो दिल्ली की तरफ बढ़ती जा रही है और दिल्ली पहुंचने के बाद दोस्तों उनका जो वीजे की कार्रवाई है वो मुकम्मल होती है या नहीं होती उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि शिहाब भाई की तरह दोस्तों सना अंसारी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वीजे के लिए दिल्ली जाएंगी और वहां से दोस्तों उनका जो वीजा है उसका प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर पहुंचेंगी और वहां पहुंचने के बाद दोस्तों उन्हें पाकिस्तान का वीजा है वो अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाएगा। फिर वहां से वो ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब से होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के हज में मुकम्मल हो जाएंगी। सना अंसारी के इस मुबारक सफर को लेकर बहुत से लोगों का सवाल था कि उन्हें पैदल नहीं जाना चाहिए था, वो सवारी से जाए, प्लेन से जाए, 2.5 घंटे का रास्ता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हज मुकर्रमा पर पहुंच जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सना अंसारी ने इससे पहले भी बताया था कि वो दोस्तों जब शिहाब भाई अल्हम्दुलिल्लाह हज मुकर्रमा पर निकले थे तो उनको देखकर दोस्तों उन्होंने तभी नियत कर ली थी कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हज मुकर्रमा पर पैदल जाएंगी और दोस्तों उनकी जो ये नियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू भी हो चुकी है और उनकी नियत का हौसला है वो बहुत ज्यादा बुलंद है और उस बुलंद हौसले के आगे दोस्तों आप लोगों का जो प्यार है वो भी बढ़ता जा रहा है। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोगों को दोस्तों जो भीड़ है वो सना अंसारी के पीछे इतनी तादाद में चल रही है जितनी किसी नेता के पीछे भी नहीं चलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी भीड़, इसी प्यार के साथ सना अंसारी का जो 2025 का हज है वो मुकम्मल होगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह हज मुकर्रमा पर पहुंचेंगे। तो आप लोग उनके हवाले से कमेंट में सुभान अल्लाह, माशाल्लाह लिखते रहा करें, हम आप लोगों को उनका सना अंसारी का लाइव लोकेशन देते रहेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले बिग अपडेट के साथ।